शरीर में फैट सबसे ज्यादा पेट के आसपास जमता है, जिसके कारण कमर के दोनों तरफ चर्बी की परत साफ नजर आती है। पेट कम करने के लिए 3 शानदार एक्सरसाइज है जो आपके पेट को तेजी से कम करने में मदद करती है। इन्हें करने से कमर के दोनों तरफ जमा फैट गायब होने लगता है और पतली कमर प्राप्त होती है। तो आइए पेट कम करने वाली एक्सरसाइज के बारे में जानते हैं। बर्पी। बर्पी एक्सरसाइज करने से 50% तक कैलोरी बर्न होती है। इससे आपका शरीर मजबूत बनता है। यह पूर्ण शारीरिक व्यायाम है जिसे करने से मेटाबॉलिज्म बेहतर होता है। यह एक कार्डियो वर्कआउट है। यह पेट की चर्बी के साथ हाथ, कमर, सीने, ग्लूट और पैर की मसल्स को भी मजबूत बनाती है। बर्पी एक्सरसाइज करने के लिए स्क्वाट की पोजीशन में शुरुआत करें। इसमें आपके घुटने थोड़े मुड़े होंगे, कमर सीधी होगी और पैर कंधों के जितने चौड़े होंगे। अब अपनी दोनों हथेली जमीन पर ऐसे टिकाए कि वह पैरों के अंदर की तरफ हो। हथेली पर वजन डालते हुए पैरों को पीछे की तरफ किक करें और पुशअप की पोजीशन में आ जाए। ध्यान रखें कि कमर झुकनी नहीं चाहिए। अब एक पुशअप करके जल्दी से मेंढक की पोजीशन में आए और दोनों हाथों को ऊपर करके ऊंचा कूदने की कोशिश करें। इसके बाद शुरुआती पोजीशन में आए और फिर से प्रक्रिया दोहराए। प्लैंक। प्लैंक आपके कोर के लिए एक बेहतरीन एक्सरसाइज है। ये शरीर के फैट को बर्न करने में मदद करता है और आपके कोर एरिया को मजबूत बनाता है। इसके अलावा आपकी बॉडी को शेप देता है। इसके लिए पेट के बल लेट जाए। अब हथेलियों को चटाई पर रखते हुए अपने शरीर को ऊपर की ओर उठाते हुए बाहों को सीधा रखें। प्लैंक पोजीशन में रहें और शरीर को सीधी रेखा में रखें। जितनी देर हो सके इसी स्थिति में रहने की कोशिश करें। माउंटेन क्लाइंबर। माउंटेन क्लाइंबर एक्सरसाइज कोर मसल्स को मजबूत बनाकर मेटाबॉलिज्म तेज करती है और बेली फैट को तेजी से घटाने में मदद करती है। माउंटेन क्लाइंबर एक्सरसाइज करने के लिए पुशअप की पोजीशन में आ जाए। अब पेट कम करने के लिए कोर मसल्स को टाइट करें और कमर को सीधा रखें। इसके बाद दाएं घुटने को छाती के जितना पास हो सके लेकर आए। अब दाएं घुटने को वापस ले जाते हुए बाएं घुटने को छाती की तरफ लेकर आए। इसी तरह तेज तेज साइकिल चलाने की कोशिश करें। तो दोस्तों, इस तरह की और फिटनेस से संबंधित वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।